वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजी काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है वृंदावन बॉलीवुड से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वृंदावन बॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये बहुत अपना फील होता है। अपने घर में आके इंसान कहाँ कुछ फील कर पाता है, वो सारी चीज़ें मुझे नकली लगती है। ये असली है। यहाँ पर लोगों को आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और भगवान ने भगवत गीता में भी यही चीज़ कही है कि आई गिव यू व्हाट यू लाइक एंड प्रिजर्व व्हाट यू हैव। अगर आप फील कर पाओ तो यहाँ के एक एक कण कण में राधा राधा नाम जपते हैं, तो ये बहुत ही अलौकिक जगह है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम, यहाँ पर दूर दराज से भक्ति करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। जो एक बार इस धरती पर आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री लक्ष्मी प्रिया देवी दासी है। लक्ष्मी जी, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। तो इस ब्रज भूमि का सफ़र कैसे शुरुआत हुई? इस ब्रज भूमि का सफ़र जो शुरुआत हुआ है मेरा, वो काफ़ी सालों से मेरी तमन्ना थी कि मैं ब्रज में आऊँ रहूँ। हालांकि मुझे ब्रज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस एक बार मैं बांके बिहारी टेंपल आई थी दर्शन के लिए, और उस टाइम से मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे यहीं पर आके रहना चाहिए। पर मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर आके कैसे अपनी लिविंग रहनी चाहिए या क्या करना चाहिए, कैसे यहाँ पर कैसे अपनी सुविधा उपलब्ध करके यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहा जा सकता है। वो चीज़ का अंदाज़ा कभी भी नहीं था। बट धीरे धीरे यहाँ पर आते गए, मैं इससे पहले जहाँ पर काम करती थी वहाँ वो काम छोड़ना भी मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मगर फिर भी भगवान ने सारी व्यवस्था इतनी अच्छे से की और आज मुझे अपने साथ ही रख लिया। क्या काम करती थी आप मुंबई में? मुंबई में मैंने वैसे बहुत काम किया है। मैं हमेशा ग्लैमर इंडस्ट्री से कनेक्टेड रही हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे कैमियो रोल्स किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, काफ़ी सीरियल्स किए हैं, काफ़ी कैरेक्टर आर्टिस्ट प्ले किया है वहाँ पर। और मैं पिछले 8 साल से कैबिन अटेंडेंट रह चुकी हूँ, इन फ्लाइट सुपरवाइज़र रह चुकी हूँ। 5 साल मैंने विस्तारा एयरलाइंस के लिए फ़्लाई किया है और 3 साल मैंने इंडिगो के लिए फ़्लाई किया है, और अब मैं यहाँ हूँ। और एक अभी पिछले 1 साल से तो मैं निधिवन सरोवर पोर्टिको होटल में एज अ गेस्ट रिलेशंस एग्जीक्यूटिव हैंडल कर रही थी। अब पिछले 2 महीने से मैं बिल्कुल घर पर ही हूँ और डिवोशन में ही हूँ। तो आपने किस किस सीरियल में काम किया है मुंबई में? मैंने बहुत सारे बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल्स में काम किया है, जैसे कि 8वां वचन मेरा पहला सीरियल था। फिर मैंने काफ़ी मूवीज़ में बैकग्राउंड डांसिंग का भी किया है। तो बहुत सारे, जैसे मैंने करण एंड कबीर एक डिज्नी चैनल पे आता था, तो मैंने उसमें भी बहुत सारे कैमियो रोल्स किए हुए हैं। और मैंने काफ़ी बालाजी टेलीफिल्म्स के काफ़ी रोल्स किए हुए हैं। मतलब बालाजी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी मैंने किया है। मैंने बहुत काम किया है, मतलब मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ कितना काम किया है, क्योंकि एक आधे दिन का काम होता था। ज़्यादा बड़े रोल्स मैंने कभी नहीं किए, छोटे रोल्स किए, क्योंकि मुझे मेन लीड करना था। मेरी इच्छा थी कि मैं मेन लीड करूँ, मगर जब मेन लीड के लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी तो मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक मिला था। तो उस ब्रेक के दौरान मुझे खाली नहीं बैठना था, तो मैंने एयरलाइंस के इंटरव्यू दिए और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैं मूव ऑन हो गई, मैंने पलट कर फिर कभी एक्टिंग के तरफ देखा भी नहीं। तो मुंबई की तरफ आप दोबारा नहीं गई कभी? मुंबई के बाद, मुंबई से जब मैं निकली तो मैं कैबिन क्रू बनी, और कैबिन क्रू में जो मेरा बेस था वो मेरा दिल्ली बेस था। तो 8 से 9 साल तकरीबन मैं दिल्ली में रही हूँ। तो ऐसा नहीं लगा वो ग्लैमर भरी ज़िंदगी यहाँ पर साधारण सी, सिर्फ भगवान की भक्ति करना, सब कुछ छोड़ के आई हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ पीछे तो नहीं छूट गया मुझसे? नहीं, इनफैक्ट भगवान ने मुझे हर चीज़ बहुत खूबसूरती से दिखाई। जैसे कि ग्लैमर इंडस्ट्री में हम लोग एक्टिंग वगैरह करते थे तो नई नई जगहों पर जाना, वही भगवान ने सेम बिल्कुल मेरे साथ में एविएशन में भी रखा। नए नए लोगों से मिलवाना, नई नई जगहों पर लेकर जाना, 5-स्टार होटल में रुकवाना, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए, वो भी ग्लैमर ही था। तो वो बहुत ही अच्छी लाइफ थी। मैंने वहाँ पर, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपनी फ़्लाइट पर अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाती थी। अच्छा जी,
तो फिर वहाँ पर कोई पूछता नहीं था कि कौन है क्या है? इनिशियली मेरे एयरलाइंस में लोगों को पता नहीं था कि मैं छुपके लेकर जाती हूँ, बट जब उन्हें पता चला तो कभी किसी ने मेरी तरफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। दे वर वेरी सपोर्टिव फॉर ऑल दिस एंड आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर दिस। आपका 5-स्टार होटल में रुकना लेकिन ब्रज की माटी पर बैठना, तो क्या लगता है कुछ कैसा फील होता है आपको? बहुत अपना फील होता है। अपने घर में आके इंसान कहाँ कुछ फील कर पाता है, वो सारी चीज़ें मुझे नकली लगती है। ये असली है, यहाँ पर लोगों को आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और भगवान ने मुझे बड़ी आसानी से अपने पास रखा है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई चमत्कार जो आपके जीवन में घटा हो, भगवान ने किया हो? मेरी लाइफ ही बहुत बड़ी एक चमत्कार है, जैसे कि क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरा जन्म दुबई में हुआ है और मेरी अपब्रिंगिंग जब मैं बहुत छोटी थी, जब मेरी 2 साल की थी तकरीबन, तब मेरी मम्मी का देहांत हो गया और पिछले 8 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद मैं अपनी मासी मासा जी के साथ में रही हूँ, पली बड़ी हूँ उनके साथ में, और मेरी जर्नी हमेशा कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ ऐसे रही है। और जब मैं ब्रज में भी जब मैं आई थी तभी भी मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था एयरलाइन से, तो मैंने सोचा था कि मैं अब इंटरनेशनल एयरलाइंस में ट्राई करती हूँ। तो मैं वही चीज़ सोचकर ब्रज में आई 10-15 दिन के लिए और मैंने सोचा कि दर्शन कर लेती हूँ, कुछ दिन भगवान के साथ में रह लेती हूँ, जहाँ पे भी ये भेजेंगे वहीं चली जाऊँगी, और उनकी इच्छा पे सब कुछ छोड़ दिया। और वो एक टाइम है कि मैं यहाँ पर खाली आई थी 10-15 दिन के लिए और आज का टाइम है मैं अभी तक यहाँ से गई नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहती। आपके जो फ्रेंड हैं जो सीरियल में काम करते हैं वो पूछते नहीं है अरे कहाँ चली गई, वो अच्छी ज़िंदगी थी वृंदावन में आकर, अब सिर्फ साड़ी, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, क्या पहन के घूमती, ऐसा कुछ होता है? वो लोग मुझे देखकर इंस्पायर बहुत होते हैं क्योंकि एक्चुअली ये सब भगवान की कृपा से होता है। ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये चीज़ करना चाहती थी तो मैंने ये चीज़ की, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने हर चीज़ से मुझे इतनी आसानी से अपने पास ले लिया। वरना आई एम श्योर मुझे देखकर शायद इंस्पायर वो भी होते होंगे, मगर अगर वो लोग भी अपनी एक इच्छा रखें और कोशिश करें तो उनसे भी शायद ये चीज़ हो जाएगी। तो वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, और जब कभी भी उनको ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है या हम कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लोग बेफिक्र होकर मुझे आज भी कॉन्टैक्ट करते हैं। सैलरी की अगर बात करें कितना मिलता था? सैलरी मेरी हो जाती थी 80-85 तक आराम से हो जाती थी। लाख में? नहीं नहीं, 1000 एवरी मंथ। जी तो अब यहाँ कैसे खर्चा चल पाता है? यहाँ तो देखो बच्चे जब अपने माँ बाप के पास रहते हैं तो वो अत्यंत बेफिक्र हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर रह रही हूँ अपने घर, तो मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता नहीं, वो हर तरीके से मुझे संभालते हैं। और भगवान ने भगवद्गीता में भी यही चीज़ कही है कि आई गिव यू वॉट यू लाइक एंड प्रिजर्व वॉट यू हैव, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। तो यहाँ पर आप गीता भागवत पढ़ती हैं? हाँ जी पढ़ती हूँ। तो श्लोक तो याद हो गए होंगे कई? थोड़ी मेरी मेमोरी थोड़ी इस चीज़ के मामले में थोड़ी पुअर है, मगर हाँ मुझे श्लोक्स आते हैं, मगर मेरे प्रोनंसिएशन इतने क्लियर नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश भरी जिंदगी, यहाँ संस्कृत तो थोड़ा लर्निंग फेज पे हूँ मैं, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी सीख जाऊँगी। अच्छा, वहाँ का वेशभूषा कुछ अलग, यहाँ सिर्फ सिंपल। जी तो क्या लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे कपड़े थे या ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये सारी कितनी प्रिटी लगती है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है क्योंकि आज भी जब मैं जाती हूँ मुंबई वगैरह तो मैं फ़्लाइट से जाती हूँ और देखती हूँ कि एयरपोर्ट पे जो ज़्यादा ग्लैमरस लड़कियाँ रहती है उनसे कई ज़्यादा अट्रैक्शन एक साड़ी वाली लड़की कैरी करती है, और लोग उस लड़की से कई ज़्यादा लोग मुझे ऑब्जर्व करते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कि जो भी भक्त जो भी डिवोटी ड्रेस में रहता है वो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, उनके चेहरे पर इतना तेज होता है, भगवान का नाम सतर्क मुंह पे रहता है, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्शन करती है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अंदर से भक्ति हैं, बस हम भूल चुके हैं कि हम कृष्ण भावनामृत में हैं या नहीं है, मगर हमें भगवान की चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती है। जब आप फ्लाइट में जाती तो ये मस्तक पर तिलक लगता था? जी नहीं नहीं, वो फ्लाइट पर तो नहीं हो पाता था क्योंकि यूनिफॉर्म पर अलाउड नहीं थी, अगर अलाउ होता तो मैं ज़रूर आज भी वहीं पे फिर काम कर सकती थी आराम से। कई भक्त होते हैं जो जॉब करते हैं अलाउ नहीं होता मस्तक पर, लेकिन शरीर पर कहीं भी लगा लेते हैं, कहते हैं कि मस्तक पर लगा लिया। हाँ ये कर सकते हैं, हम पानी का तिलक लगा सकते हैं। हाँ ऐसा ये हाँ अत्यंत कठिन परिस्थिति में अगर हमें तिलक लगाने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा तो हम इसे माथे पर पानी का तिलक लगा कर कैरी कर सकते हैं। अब भगवान को
भगवान कृष्ण को किस रूप में मानती हैं? ये बहुत सीक्रेट है क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार भी करती हूँ और मैं उनको हर रूप में एक्चुअली देखती हूँ। वो मेरे पालनहार भी हैं, वो मुझे संभालते भी हैं। मैं उनको अपने ही इज़ माई, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उनको किस फॉर्म में प्यार करती हूँ, बस वो जैसे, हाँ वो उनको जैसे पसंद है मैं उनके हिसाब से रहना पसंद करती हूँ। वो जैसे कहते हैं मैं उनकी बात सुनकर रहना पसंद करती हूँ। इस ब्रज भूमि में लता पताओं के बीच में कई यही ब्रज की पहचान है जी, तो ऐसा कुछ दिखा है वृक्षों में आपको, गोपी का रूप या कोई कुछ? गोपी का रूप यहाँ के, देखिए यहाँ पर आप गोपी के रूप में तो मैं नहीं कह सकती, मगर यहाँ की हर चीज़ आप फील कर सकते हो। जैसे आप, अगर आप इनको भी अगर गले लगाओ तो आपको फील होगा कि ये आपसे कुछ कह रहे हैं, ये जप रहे हैं नाम। अगर आप फील कर पाओ तो यहाँ के एक एक कण कण में राधा राधा नाम जपते हैं। तो ये बहुत ही अलौकिक जगह है जिसे हम भौतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। कई लोग आपसे पूछते हैं मुंबई के या जहाँ फ्लैट में काम करती थी, ब्रज कैसा है, वृंदावन कैसा दिखता है? मुझसे बहुत सारे लोग जब पूछते हैं और जब मुझे देखते हैं तो वो लोग बहुत इंस्पायर होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें भी लगता है ब्रज में एक बार आना पड़ेगा। ये सारी लीलाएँ वहाँ पर, क्योंकि मैं कई सारी लीलाओं के बारे में उनको बताती हूँ हर एक जगह। जैसे अभी भी हम जहाँ पर खड़े हैं ये भी भगवान की एक लीला स्थल है जहाँ पे भगवान खेला करते थे, और ये एक कदम का पेड़ है यहाँ पर जहाँ पे भगवान अक्सर बैठकर खेला करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। तो हर एक जगह से इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है कि आप अकेले तो कभी फील ही नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें मुंबई में देखने के लिए क्या दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब आगे का आपका एम क्या है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि मैं भगवान के बारे में प्रचार करूँ और खूब हरिनाम लूँ और लोगों को इंस्पायर करूं कि आप भी भक्ति में आए। बस चलते चलते कोई भजन जो आप सुनाना चाहती हो भगवान को, जो सबसे ज़्यादा रिझाती हो उस भजन से? हाँ, भजन तो मुझे बहुत सारे पसंद हैं। और ठीक है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे माधव, करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे, राधे, राधे। आपका काम तो हो गया है जब आप ब्रजभूमि में आ गई हैं जी। लोग मरने के बाद ये एम रखते हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे। मुझे भक्तों का संग एक्चुअली बहुत अच्छा मिला। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुंबई में एक प्रभु जी हैं जिनका नाम है शांत किशोर प्रभु जी, और एक माता जी हैं जिनका नाम है सत्य सेविका माता जी। उन्होंने मुझे भक्ति में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश दिया है और ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं इनसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। कि बहुत ही ग्रैटिट्यूड है मेरे मन में उनके लिए कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ाने की हेल्प की है। और जिस तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प की, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे लोगों को वैसी हेल्प कर सकूँ। तो आप मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपने कार्य में सफल हूँ। ब्रज भूमि में आप आई गई हैं तो प्रार्थना की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान आशीर्वाद देते हैं तो कार्य शुरू हो जाते हैं जी। अगर हो सके तो आप मेरे साथ में भी एक बार हाथ उठा के हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे? बिल्कुल, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे 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 श्याम। एक चलते चलते लास्ट सवाल जी, अगर मुंबई की दुनिया से आपके पास कोई फोन आए कि इतने का करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं ब्रज भूमि छोड़ा है, तो क्या संभव है? ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है वैसे, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। मेरी फैमिली जो मेरे पापा के साइड की फैमिली है वो सब दुबई में सेटल्ड है। हाँ। और वो लोग मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं, पर फिर भी मेरी इच्छा नहीं होती है इस ब्रज भूमि को छोड़ने की। वाह, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, सीरियल में काम करती थी, और ब्रज भूमि में जब एक बार आई तो इनकी जाने की दोबारा इच्छा नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण से इतना लगाव हुआ कि बार बार जो ब्रज की माटी है इन्हें खींचती है और लाखों की
नौकरी छोड़ वृंदावन में आज वास कर रही हैं। यहीं पर ही राधे राधे का जप करती हैं, हरे कृष्णा का जप करती हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। जी जनाब, बहुत 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 उम्दा। अच्छा, मैं हैरान हूँ, एक ऐसी दुनिया से थी, ग्लैमरस की दुनिया से थी, और ये कहने लगी कि मैन लेड भी इनको मिल चुका था। मतलब काफ़ी अरसे तक इन्होंने काम किया और काफ़ी अरसे काम करने के बाद इन्होंने कहा कि जब मुझे मैन लीड के लिए सेलेक्ट किया गया तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया गया। उस ब्रेक के दौरान मैंने सोचा कि मैं कहीं और जॉब कर लूँ, एयरलाइंस ज्वाइन कर ली, और अचानक यहाँ आना। ऐसी शक्ति थी जो इनको खींच ले आई, और उसके बाद इनका दिल और इनका लगाव इतना बढ़ गया कि इन्होंने टोटली समझे, लाइफ में सब कुछ ख़त्म करके इन्होंने टोटली एक तरीके से भगवान को ही सुपुर्द कर दिया अपने आप को। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि ये यहाँ आई हैं, कोई इनके माइंड में था नहीं कि मैंने यहीं रह जाना है, मैं अब दुनियादारी से बेजार हो चुकी हूँ। हाँ, या दुनिया की मैं संन्यास ले लूँगी। हाँ, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, संन्यास भी अभी नहीं लिया, लेकिन अभी बन जाऊंगी। अभी भी मतलब उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि बस मेरा मन ही नहीं करता जाने का। अच्छा, 2 महीने मन ही नहीं करता जाने का, बस मेरा दिल करता है मैं यहीं रहूँ। अच्छा, एक सबसे खूबसूरत चीज़ ये, जब भी मैंने हमने जो है वृंदावन के हवाले से इंटरव्यूज देखे हैं लोगों के, एक चीज़ पता नहीं शायद आपने नोट की या नहीं की, नहीं एक, की मैंने, आप बताएं। एक तो माहौल अच्छा ही होता है, खूबसूरत होता है, एक अपनी जगह। हाँ, ये तो की थी। लेकिन जितने भी लोगों के इंटरव्यूज होते हैं वो अपने आप में बड़े पुरसकून दिखाई दे रहे होते हैं, बड़े इत्मीनान से। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शो है, कोई भी वीडियो है, किसी भी किस्म की है, चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो क्यों ना हो, लेकिन जितना पुरसकून, जितना इत्मीनान, जितना ठहराव, जितना एक खुशी, अंदरूनी खुशी इनके चेहरों पे दिखती है, वृंदावन के जो लोग होते हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा यहाँ गुजार दी होती है, गुजार रहे होते हैं, तो बड़े खुश, बड़े पुरएतमाद, बड़े पुरसकून, ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना ही उनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आनी है, तो वो ज़िंदगी से खुश। और ऐसा बहुत कम होता है कि 100% कोई अपनी ज़िंदगी से खुश रहे। जैसा एक टाइप का वीडियो देखने के बाद, एक जैसा कॉन्टेंट देखने के बाद इंसान का दिल भर जाता है, और वो ये सोचता है यार एक ही जैसे। लेकिन मैंने अजीब सी बात देखी है ऐसे वीडियोस में, इस तरीके के वीडियोस में मैंने देखा है कि जो भी अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं, जो भी अपने तजुर्बे और अपने अपने आप के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसा हुआ, क्या हुआ, वो पूरी स्टोरी बता रहे होते हैं, उस वो स्टोरीज हर किसी की एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी चेंज है, कोई बाहर से आ गया है टोटली। अच्छा, इनके घर वाले जो थे, पेरेंट्स तो खैर नहीं थे, लेकिन जो भी हैं रिलेटिव्स वगैरह, वो बाहर सेटल्ड हैं, दुबई सेटल्ड में, उसके बावजूद भी नहीं जाना चाहती। दूसरी बात ये, पैसों का कोई इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम्स कोई नहीं होंगी, तो अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगा हुआ भगवान से, वो कह रही बार बार कह रही मुझे भगवान से प्यार हो गया, अब मैं इसको क्या कहूँ, लेकिन बस ये प्यार ही है। आप कह रही ना, ये वाली बात भी बहुत पॉइंट की बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं तो उन्हें खुदा याद आता है, उन्हें भगवान याद आता है, फिर वो भगवान के साथ एक लॉ लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ़ में, वो दुनियादारी में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, या उनकी दुनिया में सुकून नहीं है उनके पास, लेकिन ये बहुत अच्छी लाइफ के बावजूद भी आई है, तो ये अपने आप में बहुत बहुत हैरान कन बात है। दुख तकलीफ़ बेसिकली आपकी लाइफ में इसीलिए आती है कि आप अल्लाह से रुजू करो, आप अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाओ। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, और कह रही है मैं अपनी मौसी वगैरह के साथ रहा करती थी, और फिर मैंने एक अच्छा खासा, मैं ये कहूँगी अच्छा खासा इन्होंने एक लाइफ का अच्छा बेहतरीन हिस्सा गुजारा है, अच्छा वक्त गुजारा है, लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी कांटेक्ट में, तो वो इनको देखकर इंस्पायर्ड हो रहे हैं, इनकी ये वाली लाइफ देखकर। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर को वो मतलब जब जैसे उन्होंने साड़ी पे सवाल किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो इतनी मॉडर्न थी, बाकायदा एयर होस्टेस रह चुकी हैं, कैबिनेट में काम कर चुकी हैं, तो उनको थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ आज मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, और उन्होंने बोला जो अट्रैक्शन इस साड़ी में है, जो इस लुक में है, जो इस मट्टी में है, वो और कहीं है ही नहीं, ये सब नेचुरल ही, ये मुझे खींचता है। आप देखें तो वो तने से लगकर, आप देखा था आपने किस तरीके से वो एक रियल और प्योर जज्बात जो होते हैं ना, वो आपको समझ आ जाते हैं, और एक फेकनेस किसी इंसान की समझ आ जाती है, जब वो लग कर और कहती है आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा ये भी कुछ बयान कर रहे हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत खुश थी, बहुत मुतमइन थी, बहुत इत्मीनान था, और एक मेरे ख्याल में एक क्या था जो उन्होंने पढ़ा था, मेरा काम हो रहा है, ये हमने ये जिया किशोरी, हाँ उनका भी बड़ा फेमस, उन्होंने भी पढ़ा है, तो इत्मीनान, सुकून, खुशी, और वापसी उस दुनिया में, रंगो रोगन की दुनिया, चाको चौबंद दुनिया, ग्लैमर्स की दुनिया में जाने का कोई उनका माइंड नहीं है।
आपने देखा कि उन्होंने ये कहा कि लोग मरने के बाद खुदा से मिलते हैं, भगवान से मिलते हैं, लेकिन बहुत लकी होते हैं वो लोग जो जीते जी उन्हें पहचान लें और उनसे रुजू कर लें और उनसे लॉ लगा लें। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत कमाल की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जगह बहुत खूबसूरत है वृंदावन, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, इत्मीनान बहुत है, सुकून बहुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बैठने के लिए भी उन्होंने मिट्टी का ठेला बनाया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ों को यहाँ से दूर ही रखा है, मुझे ऐसा लगता है। कोशिश उन्होंने ज़्यादा की है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।